हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। आप सभी का स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रीन पर्दा, ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन कोई भी चीज आपके वीडियो के अंदर है तो वो कैसे रिमूव करोगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप एक नया यूट्यूबर है या तो यूट्यूब में आना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे अगर होता पीछे बैक में, तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन हट सकता है। और ग्रीन स्क्रीन कैसे हटता है ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखना। चैनल हमारे पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों यूट्यूब टिप से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो हमेशा इस चैनल पर आपको मिलते रहती है। और लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, मेहनत लगती है भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कोई पैसे वैसे नहीं लगते भाई, और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस एक हमारा फैमिली आप लोग इकट्ठे हो जाते हो और कोई दिक्कत नहीं है, और इसी प्रकार से आप सब हमारे वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों एक ग्रीन स्क्रीन को हटाना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। यूट्यूब में एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई भी चीज़, जैसे अभी मैंने पहले बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेलेक्ट करना, ऐसे मैं बोला ना उसको मुझे अपने वीडियो में लगाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ लगाने के लिए वो जो भी ग्रीन स्क्रीन में ही आता है, वो सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइबर का जो लोगो है, ये ग्रीन स्क्रीन में एक्चुअली आता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से रिमूव करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे ही तरह वीडियो रिकॉर्ड करते हो ग्रीन पर्दा पीछे लगा के, तो दोस्तों वो भी बढ़िया आसानी से आप ग्रीन पर्दा किस प्रकार से रिमूव करोगे, किस प्रकार से हटाओगे, यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यार शुरू से लेके अंत तक देखना इस वीडियो को, और लाइक कर देना लाइक नहीं किया तो, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक, ताकि वो भी समझ जाए कि ग्रीन पर्दा को किस प्रकार से हटाया जाता है अपने YouTube वीडियो के लिए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन में हम लोग चलेंगे और वहीं पर सीखेंगे ग्रीन पर्दा हटाना काइन मास्टर ऐप के बदौलत। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन में ग्रीन पर्दा हटाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ, प्लीज सुन लीजिए। आपने ना अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो आप, तो मैं भी इंस्टाग्राम में हूँ, मेरा यूजर आईडी है गणेश टेक 95, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। देखिए काइंड मास्टर ऐप मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। देखिए जितने भी आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ये सारे ग्रीन स्क्रीन हटे हुए हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं किसी वीडियो का अगर प्ले करके दिखाऊं आप लोगों को, तो ग्रीन स्क्रीन इस प्रकार से हटेगी। तो देखिए मैं प्ले करके दिखाने की कोशिश, दोस्तों ये वीडियो नहीं दिख रहा है, एक्चुअली एक ग्रीन स्क्रीन का ही था तो इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा वीडियो इम्पोर्ट करने की ओर। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन को मैंने क्लिक किया, और दोस्तों यहाँ पे मुझे एक वीडियो में लगाना पड़ेगा ग्रीन स्क्रीन, तो मैं एक वीडियो चुन लेता हूँ। चलिए एक वीडियो में इनपुट करता हूँ यहाँ पे, तो चलिए इसी वीडियो में मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ, जो कि यही वीडियो है जो अभी आप लोगों के सामने मैंने बात किया। तो इस वीडियो को मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ग्रीन स्क्रीन लगाना है अपने वीडियो में, तो किस प्रकार से मैं करूँगा एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, मैं वो दिखा देता हूँ। किस जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना, वो मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ वीडियो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर देना, तो मैं यहीं पे लगाने वाला हूँ ग्रीन स्क्रीन, जो कि मैं आप लोगों को हटाने वाला हूँ। अभी देखिए मैं लेयर पे जाऊँगा, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपका ग्रीन स्क्रीन कहाँ पर है वो यहाँ पर ढूंढना है। तो मेरा ग्रीन स्क्रीन दोस्तों कैमरा में है, और ये रहा मेरा ग्रीन स्क्रीन, ये देख रहे हैं आप लोग मेरा ग्रीन स्क्रीन पूरा आ गया है यहाँ पर। तो ये सब्सक्राइब वाला ग्रीन स्क्रीन है, तो ये लगने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की, जो ये लड़की वाला आइकन बना हुआ है इसको क्लिक करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनेबल लिखा हुआ है, इसको इनेबल को इस प्रकार से ऑन कर देंगे तो ग्रीन स्क्रीन हट गया। देखिए इसको इधर करता हूँ तो ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर आ जाता है, और इसको जैसे ही इनेबल करता हूँ ये ग्रीन स्क्रीन हट जाता है। अब इस वीडियो को मैं प्ले करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो एक्चुअली ये इस प्रकार से लगेगा। तो एक्चुअली इस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन हट जाता है, जो भी आपका जो सब्सक्राइब का बटन है और लाइक का बटन है ये यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो
काफ़ी आसान छोटा सा एक वीडियो है, आप लोगों को नॉलेज देना चाहूँगा कि अगर छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाते हो इसमें तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को भी एडिटिंग कर सकते हो काइन मास्टर ऐप से, और ग्रीन स्क्रीन को भी हटा सकते हो। अगर बैकग्राउंड का होता तो बैकग्राउंड के लिए दोस्तों पहले से एक दूसरा सिस्टम करना पड़ता है। उसके लिए पहले से आपको, आप बैकग्राउंड में अगर आपका कोई है तो उसको आपको बैकग्राउंड पहले चुनना होता है, उसके बाद में ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल में अभी मेरे वीडियो के पीछे ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो मैं वो तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ग्रीन स्क्रीन इसी प्रकार से हटाया जाता है ये मैं आप लोगों को प्रॉपर बता रहा हूँ। चलिए मैं और एक जगह लगाता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। थोड़ा सा वीडियो स्किप करूँगा इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जहाँ पर बोला हुआ हूँ वहीं पर मैं अपना ग्रीन स्क्रीन को लगाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक और ग्रीन स्क्रीन लगा देता हूँ जो कि है मेरा ग्रीन स्क्रीन। जहाँ कहीं भी हो तो उसके लिए ग्रीन स्क्रीन लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे खुल जाता है। आपका ग्रीन स्क्रीन कहाँ पर है वो देख लीजिएगा। मेरा कैमरे में सेव कर रखा हूँ, मैं अपने लैपटॉप से लिया था यहाँ पर। तो ये वाला ग्रीन स्क्रीन मैं यहीं पर फुल करके यहाँ पर लगा दूंगा। इस प्रकार से फुल करूँगा और क्रोमा की को ऑन कर दूंगा, ये लड़की वाला आइकन को। यहाँ पे जैसे ही इनेबल करूँगा भी एक ग्रीन पर्दा हट जाएगा अपने आप, देख लीजिए इस प्रकार से हट जाता है। और जैसे इसको मैंने ओके करूँगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन लग जाता है काफ़ी आसान तरीके से। तो आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को नॉलेज देके गया होगा। अगर नॉलेज देके गया तो लाइक करना, लाइक बनता है, लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला आइकन को ऑन पे सेलेक्ट करना, क्योंकि यूट्यूब टिप्स और ऐसे ही वीडियो हमेशा इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहती है, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए ग्रीन स्क्रीन हटाना सीख जाओगे पूरी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।